पृथक विदर्भ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में वृद्धि और लगातार बढ़ते बिजली बिल को लेकर सोमवार को संविधान चौक पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विदर्भवादी आंदोलनकर्ता मौजूद थे। विदर्भ को पृथक राज्य बनाने को लेकर कई चुनावी दावे हुए। केंद्र सरकार ने भी विदर्भ को राज्य बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने क्रांति दिवस 9 अगस्त से बेमियादी ठिया आंदोलन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में विदर्भवादी शामिल हुए। इस दौरान विदर्भवादी समिति के राम नेवले ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य जितना पृथक विदर्भ की मांग है, उतना ही पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में वृद्धि और लगातार बढ़ते बिजली बिल को लेकर भी है। इस दौरान राम नेवले ने कहा कि कोरोना महामारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उद्योग, व्यापार, रोजगार सब कुछ थमासा हुआ है। आम आदमी की क्रय शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके नागरिकों पर बिजली बिल का बोझ बढ़ाया जा रहा है। बिल ना दे पाने पर कनेक्शन काट दिया जा रहा है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति च्या वतीने आज 9 ऑगस्ट क्रांति दिवस या ठिकाणी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी तसेच कोरोना काळातील वीज बिल सरकारने भरले पाहिजे, राज्य सरकारने भरले पाहिजे याच्यासाठी, तसेच केंद्र सरकारने जे पेट्रोलचे डिझेलचे गॅसची दरवाढ केलेली आहे ती दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, या तीन गोष्टीसाठी या ठिकाणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने ठिय्या आंदोलनाची सुरुवात आता या ठिकाणी झालेली आहे, होत आहे या ठिकाणी। संपूर्ण विदर्भातून हजारोच्या संख्येने विदर्भवादी निघालेले आहेत, बरेच लोक पोहोचले आहेत, बरेच लोक रस्त्यामध्ये आहेत। आमची मागणी आहे की वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे। केंद्र सरकारने आम्हाला बरेच वेळा आश्वासन दिली, भुवनेश्वरला ठराव केला होता विदर्भाचा की आम्ही विदर्भ वेगळा देणारा भाजपने, परंतु तीन राज्य अटलजींनी दिले, विदर्भ वेगळा दिला नाही। इस दौरान उन्होंने मांग की कि विदर्भ में 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने के साथ ही दर में भी कमी लाई जाए। ऐसा न करने पर सरकार के खिलाफ भी दीर्घकालीन आंदोलन किया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में वृद्धि को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।